सुबह का 1 से 3 बजे का वक्त है, आग से बच के रहना। सुबह का 1 से 3 बजे का वक्त है, आग से बच के रहना। सुबह का 1 से 3 बजे का वक्त है, आग से बच के रहना। 1 से 3 बजे का वक्त है, आग से बच के रहना। राजकुमार, राजकुमार। वो सुबह लगभग 1 बजे थे। राजकुमार फू के कॉन्क्यूबाइन जैंग को पता चला कि उसके मामले में कुछ तो गड़बड़ है। आपको जगाने के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा एडवाइजर क्यू, मुझे माफ कर देना। महाराज की पत्नी क्यू परिवार के साथ बहुत अच्छी थी। मेरे चिकित्सा कौशल से मैं राजकुमार को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। शहर में सब लोग जानते हैं कि आप वैद्य परिवार में जन्मे हो और 5 पीढ़ियों से आप वैद्य का अभ्यास कर रहे हो। महाराज आप पर हमें पूरा भरोसा है, आइए। अस्पताल का प्रमुख क्यू जोंगरियो आपका अभिवादन करता है महारानी। महारानी, राजकुमार नहीं रहे, राजकुमार। महाराज क्यों, राजकुमार फू का इलाज आप कर रहे थे और जब से वो बीमार हुए हैं तब से आप ही उन्हें दवाइयां दे रहे थे, तो ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे क्षमा करें, मैं उन्हें नहीं बचा सका महाराज। मैंने महारानी को बहुत दुखी कर दिया है। महाराज, महारानी। राजकुमार फूको शुरू से दस्त थे, उल्टिया और दस्त का उन्होंने बहुत सामना किया है, पर आपकी दी हुई दवाई लेने के बाद वो ठीक हो रहे थे और बाद में राजकुमार मर गए। राजकुमार फू उनके प्यारे भाई के मरने के बाद बहुत तबाह हो गए थे, पर उन्हें दी हुई दवाइयां वो रख रहे थे। ये मेरी गलती है, मैं इतना कुशल नहीं हूँ, ये मेरे परिवार के लिए शर्म की बात है। महाराज क्यों, मुझे माफ करना, पर आज मैं आपको ये हवेली के बाहर नहीं छोड़ सकता। मगर ऐसा क्यों? सुनो, इसे ले जाओ। क्या हो रहा है, छोड़ दो मुझे, जाने दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओरु शेंग, मैं 1/4 स्थान का आरोग्य चिकित्सक हूँ, तुम होते कौन हो मुझे कैद करने वाले?
ये महारानी का आदेश है, आशा है आप समझ जाएंगे। तुम ले जाओ। तुम लोग छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जाने दो मुझे। महाराज आप हमें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? महाराज हमें छोड़कर मत जाइए। महाराज यहाँ रहना कितना मुश्किल है, तुम्हें किसी की जरूरत होगी वहां आपके साथ रहने में। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। नौकर इसका लंबा सफेद कपड़ा लाओ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें कम समझा और मेरे साथ लड़ने का मौका दिया। लॉर्ड फिंगशू, क्या आप मुझे कम समझते हैं? जब तुम एक साथ हमले के लिए आते हो तो सहयोग पर ध्यान देना, याद रहे कि तुम्हारे साथी को भी हमले का मौका मिलना चाहिए, ठीक है? इस तरह से तुम ज्यादा देर तक टिक पाओगे। अगर हमला सच में होता तो तुम्हारा हाथ नहीं रहता। हाँ मैं समझ गया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद लॉर्ड फिंगशू। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया लॉर्ड फिंगशू। महाराज कल रात राजकुमार फू मर गए। प्रजापति अभी कुछ दिन पहले ही तो महाराज और अब राजकुमार भी, कैसे? महाराज की कोई संतान नहीं है। मंत्रालय में बहस चल रही है कि इस वक्त सिंहासन पर कौन बैठेगा। राजकुमार फू पिछले सम्राट के सबसे प्रिय बेटे थे, मगर दुर्भाग्य से वो छोटे थे और उनकी माँ के पास भी इतनी शक्ति नहीं कि वो जांग का मुकाबला कर पाए, तो महाराज को क्राउन प्रिंस बनाया। हाल ही में कोर्ट के बहुत बड़े कर्मचारी राजकुमार फू को उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में हैं, मगर अफसोस राजकुमार फू के मरने के बाद पिछले सम्राट के सभी बेटे गायब हो गए। अगर ऐसा है तो राजकुमार का मरना कोई आम बात नहीं है।
अधिपति, आप यहाँ हवेली में कैसे आए? मेरी बात सुनो, कोर्ट का आदेश है कि इस मामले की छानबीन की जाए। राजकुमार फू के शव को ताबूत में रखा गया है। ताबूत को परीक्षण के लिए खोल दो। आपकी हिम्मत कैसे हुई हवेली में परेशानी पैदा करने की? अगर महारानी दोषी ठहराए तो उसकी जिम्मेदारी तुम ले सकते हो क्या? देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, हम वही कर रहे हैं जो हमें कहा गया है। किसने कहा है? राजकुमार फू के शव को बाहर निकालकर परीक्षण करने की अनुमति आपको किसने दी? चलो चलो, सब लोग उठो, राजकुमार फू के शव को संभाल कर रखो। हम राजकुमार फू के शव की रक्षा अपने जीवन के साथ रक्षा करेंगे, हम इसका दोष नहीं ले सकते। चिंता मत करो, महारानी हमारी रक्षा करेंगी। शव परीक्षण करने की कभी सोचना भी मत। जब तक हम जिंदा हैं, मैं देखता हूं कि शव को कौन हाथ लगाता है। कोई इसे छू नहीं सकता। जी। महाराज, 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 मुझे आपके साथ मरने दो। महाराज, महाराज, मैं आपके शव का अपमान होते नहीं देख सकता। महाराज, जेंग आ रहे हैं। महारानी की जगह इन्युक जेंग हमें बचाने आ रहे हैं, चिंता मत करो। महारानी के आदेश अनुसार मेई शेंगजू और लिंग रूहान को राजकुमार फू के शव की जांच पड़ताल करने की अनुमति है। महाराज, आपका शुक्रिया। हम आपकी सहायता की दाद देते हैं। मैं सिर्फ संदेश वाहक हूँ। लॉर्ड फिंगसियू, लॉर्ड लिंग, महारानी का अपने बेटे को खोने का दुख समझें और जल्द से जल्द सच को ढूंढ लें। ये महारानी का आदेश है। महाराज, महारानी से कहिए फिक्र ना करें। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी। पिताजी, 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 पहन, पहन, पहन। क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिंता मत कीजिए, मुख्य महासचिव ने कहा है कि राजकुमार फू के शव का परीक्षण करें। मुझे पता है कि आप जल्दी निर्दोष साबित होंगे। मुख्य महासचिव? राजकुमार फू के मरने के बाद मैं महारानी से मदद मांगने गया, जबकि अकेले वो कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए उन्होंने मुख्य महासचिव से। तो इसका मतलब है कि महारानी अब भी हम पर भरोसा करती है। मैं राजकुमार फू को बचाने के काबिल नहीं था और अंत में। पिताजी, वहां पर आपकी दवाइयों की कोई भी गलती नहीं थी, मुझे पता है। पिताजी, मुझे बताइए कि मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ। चलो, वक्त खत्म हो गया, निकलो अभी। जी।
पिताजी चिंता मत कीजिए, आपको बेगुनाह साबित करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। फैंग संभल कर रहना और सुरक्षित रहना, समझे? ध्यान रखना अपना। यहाँ के अस्पताल के वैद्य राजकुमार को रोज देखने आते थे। अगर सच में राजकुमार को जहर दिया गया है तो शक के घेरे में वो भी कहीं ना कहीं आते हैं। उसके सारे छेदों में कोई खून के निशान नहीं है, हम जहर की शंका खोज सकते हैं। सब खाने का सामान, राजकुमार की दवाइयां और बर्तन जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो वापस न्यायालय में जांच के लिए ले जाओ, समझ गए? जी। अधिपति, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको क्या मिला? चिंता मत करो, तीन न्यायालय राजकुमार फू को और हमारी महारानी को जरूर न्याय देगा। इसे भी साथ ले चलो। क्या? मुझे क्यों ले जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मुझे जाने दो, वजह तो दो, कोई तो वजह दो, क्या चल रहा है? राजकुमार फू अभी अभी मर गए हैं, तीन को तफावत के अलावा कुछ नहीं करते, सारे बेवकूफों, बेवकूफ कहीं के, हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? मुझे बाहर निकालो, कोई नौकर तो दो। चिल्लाना बंद करो, बांधो इसे, चलो। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। अब तक तुम्हें कुछ पता चला? हाँ, हालांकि सात छेदों में से कोई खून के निशान नहीं मिले और त्वचा पे काले धब्बे नहीं थे, जो नमूना हमने मुंह में डाला वो काला हो गया था। इसका मतलब है राजकुमार फू को बहुत समय से जहरीले पदार्थ दिए गए हैं। हमें उनके खाने में कुछ भी नहीं मिला और ना ही बर्तन में, यहाँ तक कि जहर का भी कोई निशान नहीं था। जिसने भी जहर दिया वो काफी चालाक लगता है, उसने जांच किए जाने वाली सभी चीजों पर कोई निशान नहीं छोड़े। हो सकता है वो जो कोई भी हो वो उनके बहुत करीब रहा हो, नहीं तो कोई भी इतनी सफाई से काम नहीं करता। ये भी हो सकता है कि राजकुमार ने उसे उतनी छूट दी होगी तभी वो ये कर पाया। लेकिन राजकुमार फू की कभी शादी नहीं हुई थी, उनकी बस कुछ रखी हुई लड़कियां थी और लेडी जैंग जो उनके साथ रहती थी उन्होंने तो राजकुमार के मरने के बाद खुद को फांसी लगा ली थी। राजकुमार काफी दिनों से बीमार थे, उनकी दवाइयां अस्पताल के वैद्य लेकर आते थे। जिस रात उनकी मौत हुई पहरेदार ने वैद्य को गिरफ्तार कर लिया था और जेल में डाल दिया था क्योंकि उन्हें वैद्य पर शक हो गया था। क्यों की दवाइयों का कोई पर्चा है तुम्हारे पास? ये रहा। मैंने इसकी जांच की है, ये बिल्कुल सही दवाई है। वो दस्त से परेशान थे कि वो झोंगरू दवाइयां संभाल कर दे रहे थे जो कि प्रभावी और हानिकारक नहीं थे। उन्होंने उनके वैद्य परिवार का नाम रोशन किया था। रूशंग ने क्यू को किसी और कारण से गिरफ्तार किया है, अभी वो कहाँ है? मैंने फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया है, उनसे कुछ पूछताछ करनी थी। अच्छा किया, जाओ और स्टीवर्ड जाओ से बात करो। जी, जी।
मिस फिंग्सियू, उसे यहाँ पूछताछ के लिए लाया गया है। उसे तुम लोगों ने ऐसे क्यों रखा है? वो बात यह है कि ये आदमी जब से यहाँ आया है तब से चिल्ला रहा है। ये हमारे कोर्ट के बारे में गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, बुराई कर रहा है। हमारे पास इसे चुप करवाने का और कोई रास्ता नहीं था। सुनो जरा। जी। इसकी रस्सियां खोल दो। तुम छोटे नौकर, तुम मुझे छोड़ोगे? तुम छोटे नौकर राजकुमार फू के हवेली को धमका रहे हो? भूल जाओ, महारानी तुम दोनों को जरूर सजा देगी। माफ करना, तुम्हें यह दर्द सहना पड़ा। मुझे कुछ पूछना है। उम्मीद है तुम सभी सवालों के सही जवाब दोगे। जाइए, इसके लिए एक चाय लेकर आइए। जी। यहां आकर बैठ जाओ। बैठो। ये लो, तुम चाय पी लो। सबसे पहले ये बताओ, तुमने उस वैद्य को गिरफ्तार क्यों करवाया? वो वैदिक में निपुण नहीं है और वो वैद्य बनने के लायक भी नहीं है। राजकुमार को बचाने के बजाय उसकी दवाइयों ने उन्हें मार दिया। बेशक मैं उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। अच्छा, तो अब ये बताओ कि वैद्य राजकुमार को क्यों मारना चाहते थे? वो क्यों ज़ोंगरू से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बस करो तुम। पूछताछ से पता चला है कि राजकुमार को जहर देकर मारा गया था। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि सीधे सीधे सारी बात बता दो। वो जरूर क्यों ज़ोंगरू ही होगा जिसने दवाई में जहर डाला होगा। मैंने वैद्य क्यू की दवाइयां देखी है। दवाइयों में कुछ गलत नहीं है। पर्ची झूठ नहीं बोलेगी। दवाई की पर्ची? दवाइयों का कागज अस्पताल में लिखा जाता है, सब उसे देख सकते हैं। क्यों ज़ोंगरू दवाई के कागज में कैसे निशान छोड़ सकता है? तुम सबसे पहले चाय पी लो और ये बताओ कि अगर गलती दवाइयों में नहीं है तो भला आखिर कहाँ है? लगता है तीन कोर्ट के लॉर्ड फिंग्सियू जांच पड़ताल में बहुत मामूली है। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे बात समझ नहीं आएगी। तुम्हें कोर्ट लेकर ही जाना पड़ेगा। यह हमारी सहायता नहीं कर रहे। इसे अंदर डाल दो और जरा इसकी मरम्मत करवाओ। दरबान जी, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्यों ज़ोंगरू के उपचार की जांच करनी चाहिए? वो दोषी है, उसकी जांच लेनी चाहिए। दवाई में कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। दवाई में जरूर कुछ गड़बड़ होगा। दवाई की जांच कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। दवाई की जांच कीजिए, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बौद्ध स्मारक सेवा समाप्त हुई। राजकुमार फू जन्नत में चले गए। महारानी को हमारी संवेदना भेजो। धन्यवाद मास्टर जिंगजुआन। अमिताभा।
ये सूत्र ग्रंथ कृपया महारानी को पहुंचा दीजिए। अगर वो इसे रोज सुबह शाम पढ़ती है तो उन्हें शांति प्राप्त होगी और उन्हें इसका उपयोग होगा। धन्यवाद मास्टर। नमस्कार, मैं हूँ सेंगजुई। मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। तुम तो मोमहान लॉर्ड विंगजुई हो तीन न्यायालय से। जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसकी जरूरत नहीं है। शायद आप समझ चुके होंगे मैं यहाँ आपसे मिलने क्यों आई हूँ। मैं कभी राजकुमार फू को चोट नहीं पहुंचा सकता। कृपया आप सच ढूंढ लीजिए लॉर्ड फिंगसियो। आपने उन्हें जो भी दवाइयाँ दी उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी और ना ही उनके खाने या बर्तन में कुछ मिला। आप तो उनके पास रोज जाते थे। सर, मुझे ठीक से याद करके बताइए कि क्या आपको कुछ अजीब लगा? क्या दवाई और खाने के अलावा राजकुमार ने कुछ अलग सा खाया था? राजकुमार फू बचपन से ही बीमार रहते थे, इसलिए महारानी ने पिछले महाराज की इजाजत ली और राजकुमार फू को मुख्य शहर में रहने दिया। पिछले सम्राट ने मुझे खुद उनका ख्याल रखने को कहा था। राजकुमार फू की धड़कनें अस्थिर रहती थी। जब वो दस्त से गुजर रहे थे तो ज्यादा अस्थिर थे और उनका लीवर भी खराब था। उन्हें खाने और दवाइयों के अलावा वो लोग विनेगर में डूबा हुआ व्हाइट जिंजर दिया करते थे, वो भी हर रोज सुबह सुबह। लेकिन हमें जांच में कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है उसके सारे छेदों में कोई खून के निशान नहीं है। हम जहर की शंका खोज सकते हैं। व्हाइट जिंजर से तो नुकसान नहीं हुआ? व्हाइट जिंजर एक कारगर नुस्खा है। वो बाकी नुस्खों से काफी अच्छा है। वो जान बचाने वाली जड़ी बूटी है। वो खाने और दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत अच्छी सामग्री है। एक मिनट, मुझे याद आया कि आपकी दवाइयों में मैंने व्हाइट जिंजर देखा था। सही कह रही है। तो राजकुमार नाश्ते में रोज व्हाइट जिंजर खाते थे और उनके दवाइयों में भी जिंजर था। हो सकता है किसी ने उस जिंजर में ही जहर मिला दिया हो, तो वो जहर रोज थोड़ा थोड़ा उन्हें मिलता होगा। मैंने इस बारे में भी सोचा है। अब जब सिंहासन खाली हो चुका है तो राजकुमार फू को सिंहासन का सबसे होनहार अधिकारी माना जाता था और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। मुझे लगता है कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। दवाई की पर्ची, दवाइयों का कागज अस्पताल में लिखा जाता है। सब अपने हाथों से उसे देख सकते हैं। तुम्हें क्यों जोंगर के उपचार की जांच करनी चाहिए? वो दोषी है, उसकी जांच लेनी चाहिए। दवाई में कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। दवाई में जरूर कुछ गड़बड़ होगा। दवाई की जांच कीजिए। राज्य अधिकारी के बिना नहीं हो सकता। खाली सिंहासन हमारे लोगों को और देश को खतरे में डाल सकता है। हमारा महान मिंग शत्रुओं से घिरा हुआ है और हमारे लोग एक साथ नहीं है। हमें कोई नया सम्राट बहुत जल्द ही चुनना होगा। अभी तक कोई सामने नहीं आया। राजकुमार फू के अचानक मृत्यु के साथ पिछले सम्राट में कोई वंशज नहीं है और अब मंत्रालय राजकुमार गोंग को चुनने की सोच रही है। राजकुमार गोंग? राजकुमार गोंग पिछले सम्राट के इकलौते भतीजे हैं
जो टोंगलिंग के राजा चुने गए हैं। फू के मरने के बारे में तीन कोर्ट ने क्या फैसला लिया है? राजकुमार फू का कत्ल हुआ है, उन्हें जहर देकर मारा गया है। महासचिव, ऐसे हालात में अफसोस है कि मुझे टोंगलिंग में किसी को भेजना होगा। व्हाइट जिंजर एक कारगर नुस्खा है, वो बाकी नुस्खों से काफी अच्छा है। मुझे याद आया कि आपकी दवाइयों में मैंने व्हाइट जिंजर देखा था। जाओ रोशन को बोन पियर्सिंग कील से मारा गया था, कील पर जहर था, वो तुरंत ही मर गया। ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ है। राजकुमार गोंग का परिवार टोंगलिंग सदियों से संभाल रहा है, वो शक्तिशाली हैं। तुम दोनों गुप्त रूप से जांच करो और तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, लापरवाही मत करना। Hmm.
और कितने लोग हैं वहां पर? किसने भेजा है तुम्हें? वो राजकुमार गोंग ने। इसके मुंह में जहर है। लगता है राजकुमार गोंग तैयारी के साथ आए थे। तो हम भी उनसे कम नहीं हैं। महामहिम अंदर आइए। छा छा आइए अंदर। आप बहुत दूर से आए होंगे। हमें दो कमरा चाहिए। देखिए, जो हमारे अच्छे कमरे हैं वो पहले ही भर गए हैं, तो हमारे पास अभी बस मामूली कमरे हैं। तो फिर सारे अच्छे कमरे किसने लिए? यहाँ कोई अधिकारी आए हैं टोंगलिंग से सम्मानित पदार्थ देने। टोंगलिंग व्हाइट जिंजर? अरे आपने सही कहा, आपको कैसे पता टोंगलिंग व्हाइट जिंजर? यह तो टोंगलिंग का खजाना है। राजकुमार गोंग, आपके सहकार्य के लिए धन्यवाद। किसान हर साल जिंजर की खेती करते हैं और पता है दवाई की दुकानें बहुत पैसा कमाती है। राजकुमार गोंग सबके बारे में बहुत सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, राजकुमार गोंग देशवासियों की बहुत कद्र करते हैं। वो देशवासियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सच कह रहा हूँ मैं? हाँ, हमने भी काफी सुना है इस राजधानी में उनके अच्छे काम के बारे में। अब आपके मुँह से उनकी तारीफ फिर से सुनकर लगता है वो बहुत बड़े सम्राट है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? जब तक तुम राजकुमार गोंग का टोंगली में उल्लेख करते हो तो हर कोई इस बात की प्रशंसा ही करेगा। वो व्हाइट जिंजर कहाँ रखा है? हम ये सारे पदार्थ जो है ना, वो घर के तहखाने में रखते हैं। आइए आप लोग इस तरफ से, आइए इस तरफ आइए, यहां पर। तो आप लोगों को टोंगलिंग व्हाइट जिंजर देखना है ना? जब आप कल शहर गए थे तब आप वो किसी भी दुकान से ले सकते थे, लेकिन अगर आपको बढ़िया वाला चाहिए तो आप ज़िबाओ दवाखाने में जाओ। ज़िबाओ दवाखाना ये पदार्थ बेचती है। ये टोंगलिंग की वो सबसे बेहतर फार्मेसी है। आइए इस तरफ। आइए जरा सीढ़ियां देखकर। ज़िबाओ दवाखाने की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि वो राजकुमार का ही दवाखाना है। आइए घोड़ों को खिला के आता हूं।
चिंगजाओ में आश्रितों की संख्या बढ़ रही है, नहीं? हम क्या कर सकते हैं? चिंगजाओ में बाढ़ के कारण लोग ज्यादा खेती नहीं करते, उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। रही है। मैंने आप लोगों को कभी नहीं देखा, लगता है आप यहाँ पहली बार आए हैं। आप दवाई खरीदने आए हैं या इलाज करवाने? हमें दवाई लेनी हो तो हमें किससे बात करनी चाहिए? आपको दवाई के लिए मेरे पास आना होगा, लेकिन आपको पर्चा दिखाना होगा पहले, और वो हमारे मालिक देखेंगे। अगर आप वैद्य से मिलने आए हैं तो मैं उन्हें बाहर ले आता हूँ। इतनी कम उम्र में भी बहुत समझदार लगते हो तुम, अच्छा काम करते हो। मालिक ने कहा है कि वैद्य का अभ्यास करने वालों को अच्छे से पेश आना चाहिए। तुम्हारे मालिक तो काफी समझदार लगते हैं। जी वो हैं। हमें दवाइयों के लिए व्हाइट जिंजर चाहिए थे। अरे फिर तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर बात टोंगलिंग व्हाइट जिंजर की है तो हमारी फार्मेसी रंग और गुणवत्ता के लिए मशहूर है। वो किस लिए? तुम दोनों शहर से बाहर के हो ना, सब लोग जानते हैं कि हमारी दुकान
सम्मानित पदार्थ बेचती है। हमारी दुकान शहर में सबसे बेहतर व्हाइट जिंजर बेचती है। आप बाहर भी किसी से पूछ सकते हैं। देखना तो विश्वास रखने जैसा है। कुछ दिखा सकते हो? जी जरूर। तो आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए गुरुजी। अगर आपको हमसे बेहतर व्हाइट जिंजर शहर में मिला, मैं ल्यू हिवेंग आपको दुगनी कीमत दे दूंगा, और ये मेरा वादा है। ये दुकान के मालिक हैं। राजकुमार गोंग दयालुपन दिखाकर कोंगी स्टैंड को शहर के पूर्व भाग में ले जा रहे हैं। इन ग्राहकों को देखने के बाद अभी रखा हुआ व्हाइट जिंजर उसके पास ले जाओ। जी। आप लोगों को कितना व्हाइट जिंजर चाहिए? 250 ग्राम। जी लाया। धक्का मत दो, आगे चलो, तुम सबको अपना हिस्सा मिलेगा। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। हाँ लेकर चलो आराम से। हाँ जल्दी चलो। हाँ दूसरा संभाल के, सबको अपना हिस्सा मिलेगा, धक्का मत दो आराम से। शुक्रिया। आराम से, कोई धक्का मत देना। ये रहा व्हाइट जिंजर। चलो आगे आओ। ये लीजिए आपका सफेद जिंजर। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। इस व्हाइट जिंजर में तो कोई खराबी नहीं है, और जैसा कि सब लोगों ने कहा, ज़िबाओ दवाखाने का व्हाइट जिंजर सबसे बेहतर है। तो कातिल ने राजकुमार को जहर कैसे दिया होगा? कुछ ऐसा जिसे इसके साथ नहीं लिया जा सकता? व्हाइट जिंजर जो है पचन क्रिया जल्द करता है, और दस्त भी ठीक करता है, पसीने से बुखार भी ठीक करता है। ऐसा कोई पदार्थ है जो उसके साथ नहीं खा सकते तो वो है उत्तेजक खाना। तो अब से हमें दवा खाने पर नजर रखनी पड़ेगी। जरा सुनो। जी गुरुजी। कुछ आदमियों को लो और दुकान का पिछला हिस्सा साफ कर दो। हाँ। और चिंजाओ के आश्रितों को वहाँ पर रहने दो। जी। औरतों, बच्चों, बूढ़े और कमजोर लोगों को प्राधान्य दो। और एक बात, जी, उनके खाने पीने और कपड़ों का ध्यान दो। जी। वो आओ चलो चलकर पीछे की सफाई करते हैं। उधर उधर। शुक्रिया। हम्म।
अरे, अरे क्या हुआ इसे? अरे, अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? जरा देखो, देखो तो सही। आप लोग देख क्या रहे हैं? वो भूखा था इसलिए ऐसा हुआ। उसे हमारे साथ फार्मेसी ले चलो। चलो। मेरे पास पैसे नहीं है दवाइयों के लिए। देखिए सर, मालिक ने आपके रहने के लिए दुकान का ये सारा पिछला हिस्सा खाली किया है। वो आपसे एक रुपया भी नहीं लेंगे। चलिए मदद कीजिए, लाइए। अरे चलो, चलो, क्या हो गया? चलिए आप सब भी चलिए। सुनिए, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं ना मिस्टर मा? आप ठीक हैं? क्या हो गया? सुन रहे हैं आप? अरे मिस्टर मा, अरे आप ठीक है कि नहीं? मिस्टर मा ठीक है? अरे क्या हो गया इन्हें? उठिए मिस्टर मा, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना मिस्टर मा? मिस्टर मा उठिए, मिस्टर मा, मिस्टर मा आप ठीक तो है ना? कौन हो तुम लोग और हमें रोकने की हिम्मत कैसे की? तीन न्यायालयों ने हमें जांच के आदेश दिए हैं। हम लोग तो सिर्फ सैनिक हैं जो व्हाइट जिंजर ले जा रहे टोंगलिंग से। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। क्या बता सकते हो कि ये क्या है? हाँ? महाराज, मुझे सच में कुछ नहीं पता। इन सबको ले जाओ और अगली सुनवाई तक कोठरी में डाल दो इन सबको। जी। अगला। अगला आइए। अगला लीजिए। शुक्रिया। सबको हिस्सा मिलेगा, आराम से लीजिए। अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? क्या हुआ इन्हें? अरे इन्हें क्या हो गया? अरे क्या हुआ इसे? अरे मदद करो कोई, इसे भी खून की उल्टियां हो रही है। कोई पानी लेकर आओ। हाँ, उठाओ इसे। बहुत सारे लोग मर रहे, पता नहीं क्या हो रहा है।
क्या हुआ, क्या हुआ इन्हें? अचानक से बेहोश हो गए। पता नहीं, अरे देखो क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे मर गए। वो ठीक से उल्टी होती है ना, खाना खाते ऐसा क्या खा लिया था उन्होंने? ये क्या है, ये क्या है? हाँ क्या है वो बेंच के हाथ में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चलो ले चलो इसे। हाँ इन्हें ले जाओ, ले जाओ अस्पताल ले जाओ इन्हें। क्या हो गया? जिबाओ का मालिक कितना निर्दयी है, वो हमें जहरीले पदार्थ दे रहा था। मुझे लगा वो तो एक दयालु आदमी है, लेकिन वो तो एक खूनी निकला। सही कहा, देखो कितने बहरे में इसे मारा है। चलो जिबाओ तोड़ देते हैं, चलो मोर्चा निकालते हैं। चलो 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 देते हैं, तोड़ देते हैं, चलो। खून का बदला खून, खून का बदला खून, खून का बदला खून, जान के बदले जान, खून का बदला खून चलेंगे। मुझे बताइए कि क्या हुआ, बात क्या है? ये सब के सब धोखेबाज है, ये हमारी मदद करने का नाटक करते हैं। वाइट जिंजर में जहर मिलाते हैं, हमारे शहर के लोग मर रहे हैं इसे खाकर। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही है, आपके पास कोई ठोस सबूत है कि जिंजर में जहर था? हमारे शहर के मुख्य वैद्य को ये जहर मिला, उन्होंने कहा कि ये वही जहर है जो राजकुमार को दिया गया था। वो वैद्य कैसे दिखते हैं, कहाँ है वो? वो काफी जवान है, वो उन लोगों का इलाज कर रहे हैं जिन्हें जहर दिया गया है। चलो सुनिए, क्या आपने वैद्य को देखा है, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, वो और दवाई लाने गए हैं, इतने सारे लोगों में जहर है वो दवाई खत्म हो गई है। सब ठीक है, लगता है आर्सेनिक से बाधित है। आर्सेनिक ही है। ये वही महाश है जिन्होंने हमारी जान बचाई है। क्या तुम उस वैदिक के बेटे हो, बताओ। नमस्ते, मैं क्यू ज़िकफेंग हूँ। नमस्ते, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? महाराज की कोई संतान नहीं है, प्राचीन नियमों के अनुसार उनका भाई राजकुमार फू सिंहासन पर बैठना चाहिए था, लेकिन फू की अचानक मृत्यु हो गई। अब हमें किसी और विभाग में कोई नया राजकुमार ढूंढना होगा। क्या आप लोगों की नजर में कोई राजकुमार हैं? अगर हैं तो आप सुझाव दीजिए। तो वो टोंगलिंग के राजकुमार होने चाहिए। राजकुमार गोंग महाराज के भतीजे हैं और उनके पिता पिछले सम्राट के भाई थे। जब बात खून के रिश्ते की हो तो बेझिझक राजकुमार गोंग ही होने चाहिए। महासचिव, आपको पता है कि टोंगलिंग में राजकुमार गोंग ने लोगों को जहर देकर मारा है और उनका राजकुमार फू की हत्या में भी कोई ताल्लुक है, तो ये सारी होने वाली घटनाओं पर मुझे बताओ आपकी क्या राय है? तीन न्यायालय अभी तक राजकुमार फू के कत्ल की जांच कर रहे हैं। इतने जल्दी तुम उनको कैसे दोषी मान सकते हो? महासचिव जियो, आपने तुम्हें क्या चाहिए? आराम तुम्हें से क्या चाहिए? क्या कर रहे हैं महासचिव जियो? महासचिव जियो शांत हो जाइए। राजकुमार गोंग एक संदिग्ध व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे पास कोई और राजकुमार है भी तो नहीं। क्यों ना हम इस बारे में बाद में बात करें। ठीक है,
राजकुमार निंग का सुझाव रखूंगा मैं, जबकि राजकुमार निंग का राजकुमार गोंग की तरह महाराज से खून का रिश्ता नहीं है। वो एक होनहार और अच्छा राजकुमार है, उसे इसी आसन पर बैठना चाहिए। बात खत्म। जियाओ ने राजकुमार निंग का सुझाव दिया है, जू ने राजकुमार गोंग का सुझाव दिया है, यांग आपकी क्या राय है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप सबसे। सुनिए मुख्य महासचिव, अब सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ये वो सफेद जिंजर है जो ज़िबाओ फार्मेसी ने राजकुमार गैंग के कॉन्ग स्टैंड को दिया है, और ये विनेगर वाला वाइट जिंजर जो राजकुमार फू हर रोज सुबह लेते थे। हमें पहले वाइट जिंजर के बारे में पता नहीं था, हमें हवेली से कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो तुमने चुरा लिया था। यकीन नहीं कि मेरे पिता ने राजकुमार फू को दुख पहुंचाया। हमारा क्यू परिवार पिछले 5 पीढ़ियों से वेद का अभ्यास कर रहा है। परिवार में कठोर उपदेश और कानून है। हालांकि महारानी ने हम पर एक बार दया की थी। मेरे पिता का हाथ कैसे काट सकते हैं जिससे वो मुझे खिलाते थे? जिस रात जाओ ने मेरे पिताजी को जेल में डाला, मैंने उसकी हवेली में जाकर बची हुई दवाई चुरा ली थी और जिंजर की जांच करने ले गया। तो फिर आपको क्या पता लगा? ये जो दो व्हाइट जिंजर है वो दोनों पर भी रियल कर लगा है। रियल कर की गंध विनेगर लगाने से मिट गई और किसी को कुछ पता नहीं चला, पर रियल कर के गंध वाले जिंजर पर लीथल जहर के साथ आर्सेनिक लगा हुआ था। विनेगर में डुबाया हुआ जिंजर और दवाई वाला जिंजर जो राजकुमार फू लेते थे वो कम जहरीला था और उसे ढूंढना आसान नहीं था। पर जो व्हाइट जिंजर ज़िबाओ फार्मेसी ने राजकुमार फू को दिया था उसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक था। हमने इस वक्त रियलगर व्हाइट जिंजर से ज्यादा बेचे है। हाँ बिल्कुल, हमने इतना कभी नहीं बेचा, ड्रैगन फेस्टिवल में भी नहीं। पता नहीं इस साल इतना मशहूर क्यों हुआ। आराम से, ठीक है। ध्यान रखना अपना भी। मैंने आप लोगों को कभी नहीं देखा, लगता है आप यहाँ पहली बार आए हैं। ये तो हाँ।
चलो पकड़ो उन्हें। दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं, प्रिंस गोंग की मदद करो, मार डालो इन्हें। जाने दो उन्हें। इनको क्या हुआ? इस पर हमला किया गया है। चलो अंदर चलो। यहां पर मुझे एक गर्म कपड़ा दो। हाँ। मैं दवाई लेकर आता हूं। डटे रहो। तुम ठीक हो? संभल कर, उसमें जहर है। क्या वकील जानी पहचानी लग रही है? देखो उसे। ये तो वही कील है जिसे रॉय सिंह को मारा गया था। रॉय सिंह हमें बार बार दवाई के बारे में कह रहा था, उसे बिल्कुल इसी तरह की कील से मारा गया। आज उसी से हम पर हमला हुआ। उसने राजकुमार गोंग का नाम लिया था। राजकुमार गोंग ने। और जैसे हम टोंगलिंग पहुंचे, वहां के लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया कि व्हाइट जिंजर में जहर है। हमारी मदद करने का नाटक करते हैं, व्हाइट जिंजर में जहर मिलाते हैं, हमारे शहर के लोग मर रहे हैं इसे खाकर। और साथ ही मुझे वहाँ एक रहस्यमय खत मिला जहाँ व्हाइट जिंजर पहुँचाने वाले सैनिक सो रहे थे। तो सारे सबूत राजकुमार गोंग के खिलाफ है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मामला बिल्कुल आसान है। राजकुमार गोंग ने अपने बुरे इरादों से राजकुमार फू को मार दिया ताकि वो राजगद्दी पर बैठ सके। ये इतना भी आसान नहीं। जब सबूत खोजना आसान लगे तो समझो कुछ और बात है। मैं जब टोंगलिंग में पूछताछ कर रहा था तो ऐसा लगा कि यहाँ के लोग राजकुमार गोंग के बारे में अच्छा सोचते हैं, जिसने कई बार लोगों की मदद की है। अगर कोई मुझे बोले कि राजकुमार गोंग ने आश्रियों को जहर दिया है ये क्या है? राजकुमार निंग शहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन राजकुमार आदेश के बिना शहर में प्रवेश नहीं कर सकते। काफी जाबाज है वो। अभी टोंगलिंग पर नजर रखने वाले बहुत से लोग हैं। हमारे लिए राजकुमार गोंग से मिलना इतना आसान नहीं। पहले उन्हें खत लिखना होगा, तभी हम राजकुमार के पास जा सकते हैं, वो भी वैद्य के साथ।
मैं लिंग रुहान, कार्मिक मंत्री, लिंग हुआए का बेटा। मैं यहाँ राजकुमार गोंग से मिलने आया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वो मुझे मेरे पिता के नाम पर मिले। मुझे विश्वास है वो जरूर मिलेंगे। चलो चलो। मास्टर लिंग, कृपया अंदर आइए। चलो। अगर मुझे तुम दोनों ने मदद नहीं की होती तो मेरी सारी तरकीबें दूसरे राजकुमार को मार देती। तो देखो, जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तब तुम दोनों मेरे बहुत खास आदमी रहोगे। आपका शुक्रिया। मैं राजकुमार नहीं तो मैं सम्राट। मैं यही आशा करता हूँ कि आप दोनों कोई गड़बड़ ना करें इस मुश्किल घड़ी में, समझ गए? और हाँ, तुम दोनों एक दिन बहुत अमीर हो जाओगे। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया। पकड़ लो इन्हें। जी। कौन हो तुम लोग, यहाँ अंदर कैसे आए? अरे तुम, सम्राट के आदेश अनुसार बिना इजाजत आप नहीं आ सकते, आपको न्यायालय ले जाना होगा। मिस्टर यांग और मिस्टर जियाओ, आप दोनों राजकुमार निंग के साथ पाए गए हो, उन्हें भी ले चलो और इन लोगों को कारावास में डाल दो। जी। हमने कुछ नहीं किया है। नमस्ते राजकुमार गोंग। तो मास्टर लिंग, बताओ आपके पिताजी कैसे हैं? तो महाराज, पिताजी बहुत ठीक हैं। पूछने के लिए धन्यवाद। मैं शेंगशु, तुम वाकई चालाक और काबिल हो जैसे मैंने सुना था, एक मर्द से भी ज्यादा। जी एंडा, उन्हें अच्छे से पहचान लेते हैं, ये मिंग के लिए तो खुशी की बात है। महाराज हम बहुत खुश हैं। मैं बहुत धीरे काम करती हूँ, इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। आप बहुत महान हैं महाराज, हम आपसे बहुत खुश हैं। तो मास्टर क्यू, आपने आपकी परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखी है। क्यू झुंगरू तो आप पर बहुत अभिमान करते होंगे। महाराज आपका दयालु स्वभाव हम सबके लिए एक अच्छा उदाहरण है। मैं आपकी सीख याद रखूंगा और वैद्यकीय अभ्यास में कड़ी मेहनत करूंगा। खड़े हो जाओ। आपका शुक्रिया महाराज। तो मुझे आप तीनों भी बताइए कि तुम तीनों को यहाँ कौन लाया? महाराज क्या मैं आपसे एसआई के बारे में जान सकती हूँ? मैंने ज़िबाओ दवाखाना चलाने के लिए ल्यू हेवेंग का नाम लगाया था, हमारे देश को सम्मानित पदार्थ बेचने के लिए और देश की मदद करने के लिए। कुछ दिन पहले मुझे यहाँ पर किसी ने सी से मिलवाया। उसका हुनर, उसकी काबिलियत और चालाकी देखकर मैंने उसे साथ रख लिया। और मुझे नहीं पता था कि वो राजकुमार निंग ने भेजा हुआ फितूर था। उसने शिंजाओ के कई आश्रितों को मार गिराया।
उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। मैंने उसे कैद में रखा है और उसे जल्दी मुख्य शहर में भेज दिया जाएगा। इस सब के लिए मैं भी आधा जिम्मेदार हूं कि मैंने लोगों की ढंग से जांच नहीं की। मैं शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा शर्मिंदा। महाराज, आपने यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और ये बात हम सब जानते हैं। हम खुश हैं आपसे। वो आपका नाम लेकर गलत काम कर रहे थे, इसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे आश्चर्य है, शहर में क्या चल रहा होगा? थ्री कोर्ट के मंत्री और मुख्य महासचिव पहले से तैयार थे, बाकी सब निश्चित है महाराज। लौट जाओ। क्या उसे गिरफ्तार किया? मैं उसे न्यायालय भेज रहा हूँ। सुनकर अच्छा लगा, चलो नए सम्राट का स्वागत करें। महाराज, गॉन्ग काफी दयालु है और बहुत अच्छे इंसान भी। मुझे डर है कि हमारा न्यायालय बड़े बदलाव से ना गुजरे। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा कोर्ट सही फैसला लेगा, मुझे विश्वास है। निष्पक्ष,